ममता बनर्जी को लेकर वकीलों का संग्राम क्यों, ममता का कैसा बयान, कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से कार्रवाई की मांग। कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा मचा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से में है। गुस्सा इतना कि उन्होंने ममता बनर्जी की शिकायत कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कर दी है। अपनी शिकायत में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की गुहार लगाई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस से साफ तौर पर गुहार लगाई है कि वह बंगाल की सीएम के खिलाफ जल्द एक्शन लें, वरना जनता की नज़र में कोर्ट की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील क्यों कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि ये पूरा मामला ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कोर्ट को लेकर ऐसा कुछ कह दिया था कि विवाद खड़ा हो गया है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम के नेता और सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच में ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणमन और जस्टिस हिरण्य भट्टाचार्य की बेंच के सामने विकास रंजन भट्टाचार्य ने ये मुद्दा उठाया है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी तरफ से कोर्ट की अवमानना करने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एडवोकेट भट्टाचार्य ने ये दलील दी है कि ममता बनर्जी बार बार ऐसे अवमानना वाले बयान दे रही हैं। इसके पीछे उनका एक ही मकसद है कि कोर्ट्स की अहमियत को आम जनता की नज़रों में कम किया जाए। चलिए जानते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ममता बनर्जी के खिलाफ क्या गुहार लगाई गई है। अदालत से गुजारिश है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए, जब तक कोर्ट इस मामले में सख्त नहीं हो जाता। मैं इस पर आपराधिक अवमानना याचिका दायर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पहले महाधिवक्ता से इजाज़त लेनी होगी, जो कि किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकेगी। इसलिए मैं एक हलफनामा दायर कर सकता हूं कि ये कथन है, लेकिन कृपया इस पर संज्ञान लें। मिलॉर्ड, हर अदालत हम पर हंस रही है, ये क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट को खरीद लिया गया है। हम आधी रात तक मेहनत करके माननीय न्यायालय के समक्ष मामले को रखते हैं, और कोई भी ये आरोप कैसे लगा सकता है कि हाई कोर्ट के जज और पूरा हाई कोर्ट ही बिक गया है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया है जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट में बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी के उस फैसले पर झटका लगने से जुड़ा है जिसमें 24,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कथित तौर पर यह बयान दिया था कि हाई कोर्ट बिक चुका है। आरोप यह भी है कि ममता बनर्जी की तरफ से कथित तौर से ये बयान तब आया था जब हाई कोर्ट ने 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। बहरहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले पर जब पूछा कि क्या इस पर कोई याचिका दायर हो सकती है ताकि इसे न्यायिक प्रक्रिया में लाया जा सके, तब वकील भट्टाचार्य ने हाई कोर्ट के इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। अब ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ बयान दिया था या नहीं, याचिका डाले जाने के बाद हाई कोर्ट में जिरह और सबूतों के आधार पर फैसला लिया जाएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।